आज दोपहर 4 बजे के बाद कुंभ राशि वालों को 3 जगहों से मिलेगा धन। दोस्तों, ग्रह नक्षत्रों की चाल समय के अनुसार लगातार बदलती रहती हैं, जिसकी वजह से हर मनुष्य की राशियों पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि ग्रहों की चाल किसी व्यक्ति की राशि में ठीक है तो इसकी वजह से शुभ नतीजे मिलते हैं, परंतु ग्रहों की चाल ठीक ना होने के कारण विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका जीवन एक समान व्यतीत हो। सभी लोगों के जीवन की परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं। हर इंसान अपने जीवन में सुख दुख का सामना करता रहता है। ज्योतिष गणना के अनुसार आज हम आपको कुंभ राशियों के बारे में बताने वाले हैं। बिना वजह अपनी आलोचना करते रहना आत्मविश्वास को कम कर सकता है। आपके पास आज पैसा भी पर्याप्त मात्रा में होगा और इसके साथ ही मन में शांति भी होगी। नाती पोतों से आज काफी खुशी मिल सकती है। हर बात पर प्यार का दिखावा करना ठीक नहीं है, इससे आपका रिश्ता सुधरने की जगह बिगड़ सकता है। आज आपका मन ऑफिस के काम में नहीं लगेगा। आज आपके मन में कोई दुविधा होगी जो आपको एकाग्र नहीं होने देगी। मुमकिन है कि आपके अतीत से जुड़ा कोई शख्स आज आपसे संपर्क करेगा और इस दिन को यादगार बना देगा। आपके जीवन साथी का मिजाज आज बढ़िया है। आपको कोई सरप्राइज भी मिल सकता है। दोस्तों, ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि हमारे चैनल पर आपको हर रोज देखने को मिलेंगे, तो अब भी हमारे चैनल ट्रेनिंग राशिफल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुंभ राशि के बारे में विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आपका सामान्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। कुंभ राशि के छात्रों को इस पूरे दिन में उतार चढ़ाव से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआती समय में तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देंगे, परंतु मध्य दिन के बाद आपको कुछ समस्याओं से परेशानी उठानी पड़ेगी। इस समय आपकी संगति खासतौर से आपकी पढ़ाई में व्यवधान का कारण बनेगी। ऐसे में अपनी संगीत के प्रति विशेष सावधानी बरतें। आपके पारिवारिक जीवन को समझे। इस दिन पारिवारिक जीवन में खुशी और सुख होने के बावजूद भी आप खुद को अकेला महसूस करेंगे। इसका कारण आपकी माँ के व्यवहार में आया बदलाव हो सकता है, जिससे वे आप पर छोटी छोटी बात को लेकर गुस्सा करती दिखाई देगी और इससे आपको मानसिक परेशानी भी हो सकती है। ऐसे में उनसे बातचीत के जरिए हर समस्या का हल निकालने का प्रयास करें। दोस्तों, करियर राशिफल की बात करें तो कुंभ राशि के करियर के लिहाज से यह दिन उनके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस दौरान उसमें बहुत से उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। ऐसे में सावधान रहे और खुद को केवल और केवल अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रखने का प्रयास करते रहे। आपको कार्यस्थल पर बेकार की गपशप से भी परहेज करने की जरूरत होगी, अन्यथा आपकी छवि खराब होने का खतरा बन सकता है। साथ ही किसी से भी विवाद करने से बचे, अन्यथा आपके वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध में कड़वाहट आ सकती है। यदि आप व्यापार करते हैं तो उसके लिए यह दिन उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको यूं तो व्यापार विस्तार के बहुत से अवसर मिलेंगे, परंतु किसी कारणवश आपको सरकारी पचड़े में भी फंसना पड़ सकता है। ऐसे में अपना टैक्स समय रहते चुकाएं और हर तरह की गैर कानूनी गतिविधियों से भी दूरी बनाकर चले। दोस्तों, लव राशिफल की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए यह दिन उत्तम रहेगा। इस दौरान प्रेम में पड़े जातक अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए खास उत्साह नजर आएंगे। आप दोनों के संबंधों में भी मधुरता आएगी। साथ ही आप अपने प्रेमी के साथ किसी सुंदर स्थल की यात्रा पर जाने का फैसला भी ले सकते हैं। हालांकि आपको इस दौरान मर्यादित आचरण बरतने की सलाह दी जाती है। वही बात करें शादीशुदा जातकों की तो उनके लिए दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। आप अपने जीवन साथी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, जिससे आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। हालांकि इस दौरान आप छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहें और साथी के साथ अच्छे और सुखद समय का आनंद लें। दोस्तों, आर्थिक राशिफल की बात करें तो आपके आर्थिक जीवन को देखें तो आर्थिक जीवन थोड़ा कमजोर रहने के योग है, क्योंकि इस दौरान आपके खर्चों में अचानक वृद्धि आपके मानसिक तनाव को बढ़ाने वाली है। हालांकि दोपहर के बाद परिस्थितियों में सुधार होगा और आप कुछ आमदनी अर्जित कर सकेंगे, जिससे आपकी आर्थिक तंगी भी काफी हद तक दूर हो जाएगी। स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो सेहत के लिहाज से आपको इस दिन अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की सलाह दी जाती है,
क्योंकि राहु केतु की दृष्टि के साथ मंगल का प्रभाव आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानी दे सकता है, जिसके चलते छाती में दर्द, छाती में जकड़न, फेफड़ों से संबंधित परेशानी या जलने से आपको दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में वसा युक्त भोजन से परहेज करें और अच्छा खानपान लें। दोस्तों, बात करते हैं आपको कौन से बातों से सावधान रहना होगा या फिर कौन से बातें आपको ध्यान में रखनी होगी उसके बारे में। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें, अन्यथा आपके मान सम्मान पर भी आंच आ सकती है। अकस्मात ही कुछ खर्चे सामने आएंगे, अगर कहीं निर्णय लेने में दिक्कत आए तो किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। बहुत अधिक आत्मविश्वास भी आपके लिए दिक्कतें उत्पन्न कर सकता है। शांत चित्त तरीके से परिस्थितियों को संभालें। बातचीत करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें। निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। ध्यान रखें कि बहुत अधिक सोच विचार करने से भी परिणाम हाथ से निकल सकते हैं, इसलिए योजनाओं को बनाने के साथ साथ क्रियान्वित करना भी जरूरी है। दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं वास्तु क्या कहता है बांसुरी के बारे में। जानिए 10 आश्चर्यचकित बातें। बांसुरी प्रकृति का एक अनुपम वरदान है। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अति प्रिय है, वे इसे हमेशा अपने साथ भी रखते हैं। घर में जहां देवता बैठे हों वहां एक सुंदर सी बांसुरी लाकर रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं बांसुरी के जुड़े 10 आश्चर्यों के बातों के बारे में। पहला है, बांसुरी को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। बांसुरी की अभिव्यक्त शक्ति अत्यंत विधिवता पूर्व है, उसमें मधुर संगीत बजाया जाता है। बांसुरी प्राकृतिक आवाजों की नकल करने में निपुण है, उसे कई तरह के पंचों की आवाज ही हुबहुब नकल की जा सकती है। बांसुरी घर के वातावरण में मौजूद समस्त नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करके सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय करने का कार्य करती है। बांसुरी बांस से बनी होती है तथा इसके पौधे को दिव्य माना जाता है। अंत घर में बांसुरी का प्रयोग करके कई तरह से लाभ उठाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अपनी नौकरी से परेशान रहता है वह अपने घर में बांसुरी रखे, बांसुरी उसकी सारी मुश्किलें आसान कर देती हैं। अगर कोई काफी मेहनत के बाद भी अपने बिजनेस में सफलता हासिल नहीं कर पा रहा है तो उसे बांस की बनी बांसुरी अपनी दुकान में रखनी चाहिए, इससे व्यापार में उन्नति होती है। नए व्यवसाय का आरंभ और ईश्वर का पूजन करते समय अपनी दुकान की छत पर दो बांसुरी चिपकानी चाहिए या टांग देनी चाहिए। यह बांसुरी अच्छी सफलता दिलाने में मददगार साबित होते हैं। बांसुरी से निकलने वाला स्वर प्रेम की बरखा करती है। जिस घर में बांसुरी रखी होती है वहां प्रेम और धन की कोई कमी नहीं रहती है। बांसुरी के संबंध में एक धार्मिक मान्यता है कि जब बांसुरी को हाथ में लेकर हिलाया जाता है तो बुरी आत्माएं दूर हो जाती हैं और जब इसे बचाया जाता है तो घरों में शुभ चुंबकीय प्रवाह का प्रवेश होता है। तो दोस्तों, यह थे 10 आश्चर्यचकित बातें जो कि बांसुरी से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।